हेलो एवरीवन, मैं आज आपको LG सेमी ऑटो वॉशिंग मशीन के बारे में बताने वाला हूँ। इसका यूज़ कैसा करते हैं और इसकी बेसिक नॉलेज क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। ये 8.5 केजी कैपेसिटी के साथ कैपेसिटी की मशीन है। इसका मॉडल नंबर है, ये आप देख सकते हैं, P8535SKMZ। ये इसका मॉडल नंबर है। इसका लुक आप देख सकते हैं, डार्क ग्रे लुक दिया हुआ है इसका, ब्लैकिश। व्हील ऑप्शन है इस मशीन में, आप फ्रीली इस मशीन को यहाँ वहाँ मूव भी कर सकते हैं। इस मशीन को मूव करना है, आप इजीली मूव कर सकते हैं इस मशीन को, ये आप देख सकते हैं। इस मशीन का कंट्रोलिंग ये 4 नॉब्स के ऊपर है, 4 नॉब्स पे ये कंट्रोलिंग है इस मशीन का। फर्स्ट है सोक प्लस वॉश टाइमर, फर्स्ट नॉब। सेकंड है वॉश सिलेक्टर, जो कि जहाँ से हम कपड़े की क्वालिटी सिलेक्ट करते हैं, ये हैवी क्लॉथ्स है, नॉर्मल है या मिक्स क्लॉथ्स है। थर्ड है ड्रेन सिलेक्टर, पानी बाहर निकालना हुआ उसके लिए, या फिर क्लॉथ्स को वॉश करना है या रिंस करना तो सेम मोड में रखना है। एंड लास्ट 4 नॉब्स है फॉर स्पिनिंग पर्पज, कपड़ा सुखाने के लिए इस नॉब का यूज़ करना है आपको। इसके अलावा वाटर फिलिंग के लिए, अगर आप देखते हैं वॉश टब में अगर आपको वाटर चाहिए या स्पिनिंग टब में वाटर फिल करना है, तो उसके लिए यहाँ से भी ऑप्शन दिया है, वाटर इनलेट ऑप्शन। पाइप का कनेक्शन आएगा, इनलेट पाइप आएगा साथ में। ये स्वाइपर के थ्रू आप वाटर को इस टब में, वॉश टब में अगर फिल करना है तो इसको इस साइड में मूव करके रखें, वॉश साइड में। अगर कपड़े को इस साइड में सुखाने के लिए वाटर आपको चाहिए, लाइक टब क्लीनिंग के लिए या अदर कुछ आपको वाटर उस टब में, स्प्रिंग टब में रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको इस साइड में स्वाइप कर दें, ये इधर आ जाएगा। इसके अलावा इनलेट, ये ढक्कन दिया हुआ, पहले हम लेकर ऐसा हाथ में इधर उधर किधर रखेंगे तो उससे बेटर है, आप इसे हैंग कर सकते हैं। हैंग का ऑप्शन दिया हुआ है, ये आप कहीं भी इसे हैंग कर सकते हैं, ये साइड में हैंग कर देना है, हैंगिंग का ऑप्शन दिया हुआ, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हैंग कर सकते हैं। और इनलेट ऑप्शन हो गया, यहाँ से ड्रेनेज, जो वाटर को ड्रेन करता है, ड्रेनेज ऑप्शन आपको यहाँ से मिल रहा है वाटर ड्रेन के लिए, ये ड्रेनेज ऑप्शन है। वॉश टब की बात करें तो वॉश टब मैं फर्स्ट आपको दिखाता हूँ, ये वॉश टब रोलर जेट दिए हुए हैं इसमें, ये पाइप है इनलेट पाइप जो मैंने आपको बोला था, यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं वाटर इन के लिए। और ये ड्रेनेज पाइप है, सेकंड इज ड्रेनेज पाइप, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा टब की बात करते हैं तो इसमें रोलर जेट दिया हुआ, फर्स्ट तो पल्सेटर है ही जो कि क्लॉथ्स को मूव करता है, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज मूव करता है। उसके साथ साथ छोटे विंग्स भी दिए हुए हैं जो कि कपड़े को मूवमेंट में काफ़ी हेल्प करते हैं, 3 मूवमेंट्स दिया। और ये रोलर जेट दिया हुआ है जो कि कपड़े की स्क्रबिंग काफ़ी अच्छी होती है इसके थ्रू, एंड अप डाउन क्लॉथ्स को करता रहता है, ये आप देख सकते हैं। एंड इस मशीन में जो कपड़े में लिंट्स एंड ऑल होते हैं उसे कलेक्ट करने के लिए 2 ऑप्शन दिया है, एक इस कॉर्नर में है और एक इस साइड में आएगा, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 2 ऑप्शन है। इसे भी आप इजीली निकाल के क्लीन कर सकते हैं, यहाँ से ये डाउन से और ये अपसाइड से ओपन करके, इजी टू वॉश है। ये क्लीन करना होगा तो इसको ये यहाँ से ये अप करके ये ओपन कर देना है, ओपन करके वॉशेबल है, आप इसे वॉश करके ईजिली फिर से फिट कर सकते हैं। और ये दोनों हल्का सा दबाना है, प्रेस करना है और यहाँ पे रख के
यहाँ पे ये रख देना, ये इजी टू फिटिंग है, फिट हो गया। सेम इस साइड में ही वैसा क्लीन करना। इसके लिए और ऑप्शन दिया है, जब हम क्लॉथ्स को वॉश करेंगे इसमें जो वाटर इसमें फिल होता है वो अगेन यहाँ से रोटेट होता है, शावर लाइक अ शावर आएगा वाटर, दोनों साइड में दिया हुआ है। इस साइड से भी है, यहाँ से भी आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से भी वाटर आएगा और यहाँ से भी वाटरफॉल ऑप्शन है। एंड वाटर मार्किंग किया हुआ है जो कि कपड़े की क्वालिटी के हिसाब से, लाइक कम कपड़े हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप ये लो मीडियम हाई सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ये आएगा लो, सेकेंड है मीडियम एंड ये हाई आएगा वाटर लेवल। अगर कपड़े ज़्यादा हैं तो ये फुल लोड पे इतना वाटर आप फिल कर सकते हैं, ये वाटर हाई लेवल है। ये हो गया वॉश टब और अब आते हैं स्प्रिंग टब पे। स्प्रिंग टब में टू डोर्स हैं, एक अपर डोर एक इनर डोर। इसमें ये स्प्रिंग कवर दिया हुआ है, जब भी हम कपड़े को स्पिन करते हैं, कपड़े को सुखाते हैं तो ये कपड़े के ऊपर रखने के लिए दिया हुआ है। ये राउंड टब देख सकते हैं, देख सकते हैं। फाइनली अब शुरू करता हूँ इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसके डेमो के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको वॉश टब में क्लॉथ देना है। इस ढक्कन को जैसा मैंने बताया था ये साइड में आप हैंग कर सकते हैं, साइड में निकाल के हैंग कर दें। क्लॉथ्स आपको दे देना है जी, जो भी कपड़े आपके पास हैं जितने भी, आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से इसमें क्लॉथ्स को फिल कर दें। क्लॉथ्स फिल किया, वाटर अगर आपको ऊपर से फिल करना है ऊपर से फिल कर दें, अदरवाइज़ यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इनलेट ऑप्शन, वाटर इनलेट का पाइप यहाँ पे कनेक्ट करना है। इनलेट पाइप साथ में आएगा, इनलेट पाइप कनेक्ट करके इस नॉब को इस साइड में स्वाइप करके रखना है। वाटर आपके कपड़े के अकॉर्डिंग जितना आपको नीड्स है उतना फिल कर सकते हैं, लो मीडियम एंड हाई, जितना भी आपको अपने कपड़े के अंदाज से मिक्स करना है आप वाटर फिल कर सकते हैं। कपड़े दिया, डिटर्जेंट फिल कर दिया एंड वाटर कपड़े के अकॉर्डिंग आपने फिल कर दिया। अभी क्या करना है, यहाँ से वॉश सिलेक्टर पे आना है, सोक एंड वॉश टाइमर पे। वॉश टाइमर आपको 15 मिनट्स दिया हुआ, बट अगर आपको वॉश करने से पहले कपड़े को सोक करके रखना है तो इसे ये फुल 40 मिनट्स तक आप रख दें। यहाँ से लेकर यहाँ 25 मिनट्स तक ये क्लॉथ को सोक करके रखेगा एंड फिर यहाँ से आपके कपड़े को वॉश करना शुरू करेगा। तो अगर किसी को सोक करके भी रखना है तो ये फुल रोटेट कर दें सोक, यहाँ 40 मिनट्स। कपड़े की क्वालिटी जैसी है, हैवी क्लॉथ्स है लाइक बेड शीट्स है, कर्टेंस है, टॉवल्स है या अदर हैवी क्लॉथ्स हैं तो ये स्ट्रॉन्ग पे रखें, अदरवाइज मिक्स कपड़े हैं तो नॉर्मल पे रखें एंड फॉर्मल है तो जेंटल पे आ जाएगा। ये इतना हमने ये सेट कर दिया, वॉश सिलेक्टर हो गया और वॉश टाइमर सेलेक्ट कर दिया। इसको ड्रेन सिलेक्टर पर आना है, इसको सेम इसी डायरेक्शन में रखना है, इस डायरेक्शन में नहीं करना, अदरवाइज़ ये वॉश होने से पहले ही पानी सारा बाहर हो जाएगा, आउट हो जाएगा। सो फर्स्ट हमें इसको इस सेम इस डायरेक्शन में रखना है। इतना ये तीन नॉब को सेट करके आपको स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन करेंगे ये ऑटोमेटिकली इसका प्रोग्रामिंग कंप्लीट होगा और ये स्लोली स्लोली आके यहाँ पे रुक के बजर देगा। बजर दिया, आपका वॉश कंप्लीट हो गया। वॉश कंप्लीट करके अभी आपको क्या करना है, ड्रेन सिलेक्टर पर आना है। अगर आपको कपड़े खंगालने हैं, धुलने के बाद खंगालना है, तो फर्स्ट आपको आना है इस मोड पे, ड्रेन सिलेक्टर पे, इस नॉब को रोटेट कर देना ड्रेन साइड में। ड्रेन साइड में आप जैसे ही रोटेट करेंगे इस वॉश टब का डिटर्जेंट वाटर ड्रेन हो जाएगा, सारा आउट हो जाएगा। आउट होने के बाद आपको कपड़े को खंगालना है, रिंस करना है, तो इसको सेम अगेन इस डायरेक्शन में रखना है, फ्रेश वाटर फिल कर देना है। फिल करके इसको 5 या 10 जैसा आपको टाइम चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। सेट करके अगेन सेम मोड में करके स्विच ऑन कर देना है। स्विच ऑन करते हैं, ये अगेन आके यहाँ पे बजर देगा एंड लाइक आपका रिंस भी कंप्लीट हो गया। एक बार और कपड़े को खंगालना है तो सेम वही प्रोसेस करना है, पानी को बाहर निकालना है, ड्रेन करना है, ड्रेन सिलेक्टर का सिलेक्ट करना है, पानी आउट हो जाएगा। आउट होने के बाद इसे सेम मोड में कर देना, वॉश एंड रिंस,
अगर आप किसी मोड में रख के अगेन वाटर फिल करने लगते हैं तो ये सारा का सारा आउट होता रहेगा वाटर। तो फर्स्ट इसे आपको इस डायरेक्शन में रखना है एंड अगेन वाटर फिल करना है। फिल करके टाइम आपको 5 मिनट्स का चाहिए, 5 मिनट्स के लिए सेट कर दें एंड स्टार्ट करना है, स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन करेंगे ये नॉब रोटेट होके आके ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑफ हो जाएगा और बजर देगा। इसमें हमने अभी कपड़े को एक बार वॉश किया, धुल दिया, दो बार खंगाल दिया। अभी हमें क्या करना है, कपड़े को सुखाना है। सुखाने के लिए हमें स्प्रिंग टब पे आना है। स्प्रिंग टब में ये कवर है, इसको बाहर ले लेना है। इसमें से 5-6 कपड़े निकालने हैं वॉश टब से और इस साइड में स्प्रिंग टब में रखना है। स्प्रिंग टब में रख के डायरेक्ट बंद नहीं करना, फर्स्ट हमें क्या करना है, इस कवर को कपड़े के ऊपर रखना है। ये कपड़े को ऊपर रखना प्रॉपर रख के, ये परफेक्टली बंद होना चाहिए डोर। अगर आप इसे बंद नहीं करते हैं, ओपन ही रखते हैं और स्विच ऑन करते हैं या टाइम सेट करके ऑन करते हैं तो ये ऑन नहीं होगा मशीन। सो फर्स्ट क्या करना है, आपको कपड़े दिया, ये कवर दे दिया, कवर देकर डोर को प्रॉपर, दोनों डोर परफेक्टली बंद होना चाहिए। बंद करके स्पिन टाइमर पर आना है। स्पिन टाइमर 1 मिनट्स 2 मिनट्स 4 मिनट्स या 3 मिनट्स जैसा आपको टाइम चाहिए, आप अपने कपड़े की क्वालिटी जैसा सुखाना उसके हिसाब से आप सेट करके स्विच ऑन कर दें। स्विच ऑन करेंगे ये ऑटोमेटिकली रोटेट होके आके ऑफ हो जाएगा। अभी क्या करना है, कुछ और भी कपड़े बचे हैं इसमें से निकालना है, सेम वही प्रोसेस करना है। स्टब में कपड़े को डालना है, कवर को ऊपर से रखना है और इसे परफेक्टली बंद कर देना है। बंद करके टाइम सेट करना है एंड स्विच ऑन कर देना है। स्विच ऑन करेंगे ये ऑटोमेटिकली आके यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हम कपड़े को स्प्रिंग करते हैं कपड़े को सुखाने के लिए, इस टब में कपड़े को रखते हैं एंड बंद करते हैं, स्विच ऑन करते ही ये ढोल की तरह बजना शुरू हो जाता है। तो कपड़े को एडजस्ट करके फिर से अगेन एडजस्ट करना है। एडजस्ट करके आपको ये परफेक्टली बंद करके एंड यहाँ से टाइम ऑन कर देना है। ऑन करेंगे ये बैलेंस अगर परफेक्ट रहेगा तो आवाज़ नहीं आएगी, ड्रम इधर उधर नहीं जाएगा, जो रोटेट मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होने लगता है वो इधर उधर नहीं होगा, आवाज़ नहीं आएगी, मतलब स्मूथली वर्क करेगा, कपड़े को स्पिनिंग करके देगा। ये सिंपल है इसका यूज़।